मैं तो वो नहीं करना चाहता था। हाँ, मैं क्यों करूँ? जब मेरे कैसेट चल रहे हैं मार्केट में, मेरे शोज हो रहे हैं, तो मैं ऐसे शो में कैसे जाऊँ जिसमें किसी का नाम पूछो तो कोई जानता ही नहीं है। हमने उनसे पूछा कि यार आप मेरे यहाँ आए हो, घर आए हो, कौन है इस शो में? तो बोले सुनील पाल। हमने ये कौन है? बोले एहसान कुरैशी। हमने कहा ये कौन है? तो बोले वो पराग कंसारा। हमने कहा ये कौन है? तो उनको तुरंत जल्दी से भगाया घर से। हमने कहा यार आप ऐसे शो में मुझे ले जा रहे हो जिसमें सब नए नए कोई बच्चे काम करने वाले हैं या न्यू कमर करने वाले हैं यार, क्योंकि तब तक मेरे शो जॉनी लीवर के साथ शुरू हो चुके थे। मैं असरानी जी साथ में जाते थे शो करने, या वो कैसेट की वजह से मेरे अपने शोज हो रहे थे। तो हमने उनको वापस लौटाया कि नहीं यार मैं वैसे शो में नहीं आना जिसमें साथ में कौन है मैं नहीं जानता। हमने एक तो नाम कोई तो लेते हैं उसमें, बोलते भाई जावेद जाफरी है, हैं, या बोलते राकेश बेदी है। हमने इसमें जज कौन रहेगा? तो बोले नवजोत सिंह सिद्धू। हमने ये कौन? तो क्योंकि वो क्रिकेटर, वो तो क्रिकेटर है। तो बोले वो जो क्रिकेट खेलता है। हमने क्रिकेट खेलता है तो कॉमेडी शो में जज कैसे? क्योंकि कॉमेडी शो में जज हम लोगों के दिमाग में आता है कि कोई कॉमेडियन होगा। तो हमने वो वापस कर दिया उन लोगों को। फिर अगेन ही केम कि आप सुन लीजिए कंसेप्ट ये वो। हमने कहा चैनल कौन सा है? तो बोले स्टार वन, स्टार वन में आया था। हमने कहा यार स्टार वन कौन सा चैनल है, ये किस में आता है? स्टार वन चैनल ही नहीं था, स्टार वन की लॉन्चिंग उसी से हो रही थी। हमने कहा ये तो और भी छोटा शो हो गया कि ऐसे चैनल में ये प्रोग्राम आएगा जो है नहीं। हमने कहा चैनल नया, साथ के कलाकार नए, अच्छा जज गलत, जज भाई जाए क्रिकेटर है कमेंट्री करे या क्रिकेटरों को ट्रेंड करे, है ना, कोचिंग करे क्रिकेटर के साथ, क्रिकेटर तैयार करे। तो हमने कहा ये तो नहीं करना है शो मुझे। तो मैं जिसको पूछूं कि यार ऐसा एक शो ऑफर हो रहा है, तो बोले कौन सा, कौन कौन है नाम बताओ, कोई नहीं जानता। तो बोले अपनी इंडस्ट्री से कोई है कलाकारों में? कोई नहीं है। नवीन प्रभाकर ये कौन, ये कौन लड़के कहाँ से आए, कौन शो बना रहा है, किस चैनल पे आ रहा है, कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने बहुत उनको करीब 3 से 4 बार तो लौटा दिया था। फिर वो उसके जो डायरेक्टर हैं पंकज सारस्वत, तो पंकज ने फिर कहा यार एक दिन सेट पे तो आ जाओ, इसे मिलने आ जाओ सेट पे, सब लड़कों से आ जाओ। तो हमने कहा मैं आ जाता हूँ, आफ्टरऑल ये सब कॉमेडियन हैं जो छोटे छोटे गाँव से आए हैं, दूसरे शहरों से आए हैं, जो बेचारे पहली बार फ्लाइट में बैठे हैं और फर्स्ट टाइम मुंबई देख रहे हैं, लेकिन हैं तो हंसाने वाले। तो मैंने कहा मैं आऊँगा, आफ्टरऑल तो हमारी बिरादरी है। तो मैं वहाँ जब गया सेट पे, तो सेट पे गए तो वहाँ जो जश्चर हुआ तब तो और पक्का हो गया कि मुझे नहीं करना है। मैं जब गया तो जो कंटेस्टेंट बैठे हुए थे उसमें से कई कैमरे निकालने लगे। हमने क्या है आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है क्योंकि आप तो इस शो के जज होंगे। तो हमने कहा जज मतलब? हमने आपके अपने गांव में आपके कैसेट सुने हैं। तो फिर एक और खड़ा हुआ, बोले भाई साहब ध्यान रखिएगा कोई गलती हो जाए तो, क्योंकि आप तो जज हैं शो के। तो अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो तुम्हारी तरह आया हूँ। तो मैं लौट आया वापस। फिर एक चीज़ डायरेक्टर ने बहुत अच्छी कही पंकज सारस्वत ने, और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि ही टोल्ड कि देखिए राजू भाई, एक तो फिल्मी दुनिया में और इसमें एक लाइन चलती है जो दिखता है बिकता है, तो एक शो है आपके लिए और करना चाहिए, काम है करना चाहिए। सेकेंडरी टोल्ड कि आप किसको फॉलो करते हैं? हमने कहा यार मैं तो जब कानपुर में था, मैंने जब होश संभाला तो अमिताभ बच्चन को ही देखा, तो मैं मेरे आइडियल तो अमिताभ बच्चन है। तो बोले अमिताभ बच्चन देखिए उन्होंने कौन बने करोड़पति के लिए जब हाँ किया तो उनका बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने। बोले इतना बड़ा सुपरस्टार टीवी पे आएगा? अमिताभ बच्चन टीवी पे आने लगा जो हीरो था,
इतने बुरे दिन आ गए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो बदनामी सही और उस काम को इतने बढ़िया से किया कि छोटे पर्दे को भी बड़ा कर दिया। और कौन बने करोड़पति से लॉन्चिंग हुई स्टार प्लस की, और हमारे शो से लॉन्चिंग हुई स्टार वन की। तो स्टार वन बाद में सुपरहिट हो गया था, बाद में उस चैनल का नाम अब हो गया है ये लाइफ होके।